हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करवाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताई थी मैंने, किस मेथड से हमने वो डायरेक्शन बताई थी? राइट हैंड पाल्म रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और स्क्रू रूल से हमने वो डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है। माना कितनी फोर्स लगती है? QVB साइन थीटा, ये हम निकाल चुके हैं। बट जब उसके ऊपर फोर्स लगती है ना, तो वो अपना पाथ किस तरीके से चेंज करेगा, कौन सा वो पाथ, कौन सी वो ट्रेजेक्ट्री अपनाएगा? स्ट्रेट लाइन चलेगा फोर्स लगने के बाद, या सर्कुलर शेप में वो घूमेगा, या पैराबोला चलेगा? किस तरीके से वो, कौन सी ट्रेजेक्ट्री को अपनाता है, वही हमारा आज का टॉपिक है कि हम पाथ फाइंड आउट करेंगे कि चार्ज पार्टिकल फोर्स लगने के बाद कौन सा पाथ फॉलो करता है। तो हमें मालूम है कि कौन सी फोर्स लगती है, वो मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, दैट इज QVB। और इसको अगर मैं मॉडिफाई मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज QVB साइन थीटा। Q is the charge, V is the velocity, B is the magnetic field and sine theta. Theta is angle, angle between the velocity and magnetic field. Clear? आज हम पाथ निकालने वाले हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे? दो स्पेशल केस, बल्कि तीन स्पेशल केस हम यहां पे लगाएंगे हमारे, उसी से आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, जो फर्स्ट केस है, when theta is equal to zero और 180 डिग्री, कल बताया था इन चीजों के बारे में। 0 डिग्री कब? जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चले, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में, जस्ट अपोजिट टू द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाए, चार्ज इधर चले, तो एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। दोनों ही केस में आपको मालूम है कि फोर्स 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि F का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। थीटा एक बार 0 बन रहा है और एक बार 180 बन रहा है। 0 और 180 दोनों ही क्या होते हैं? 0। तो फोर्स भी क्या आ जाएगी? 0। तो याद रखना, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, देखो यहां से हमें मालूम चल गया, दो केस में हमें मालूम चल गया कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो 0 आएगी, कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल? स्ट्रेट लाइन, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स अप्लाई हो नहीं रही है, और फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो याद रखना, इन दोनों केस में ट्रेजेक्ट्री कैसी बनती है? स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? ये हमारा पहला स्पेशल केस था। दूसरा स्पेशल केस, जो कि आज का हमारा मेन मुद्दा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए जरा, सेकंड केस जो आएगा हमारा, देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर V और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो किस तरीके से, देखिए जरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से और चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव करे ऊपर की तरफ, तो थीटा कितना बनता है? 90 डिग्री। अब इसको मैं एक्सप्लेन आपको करवाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैंने एज्यूम कर ली है यहां पे, ठीक है,
ये मैग्नेटिक फील्ड, आपको मालूम चल रहा है साफ तौर पे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने किस तरीके से लिया है, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन ली है, ठीक है। और मैग्नेटिक जो चार्ज पार्टिकल है उसको मूव किधर करवाना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के। तो मान लीजिए हमने एक चार्ज पार्टिकल यहां से एक चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव करवाया, तो फोर्स किधर लगेगी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस चीज को आप कि फोर्स किधर लगेगी। बताइए, हम राइट हैंड पाल्म रूल का यहां पे यूज करते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो अपने फिंगर्स को अंदर की तरफ कीजिए, क्योंकि फिंगर्स क्या बताता है अकॉर्डिंग टू पाल्म रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, थंब क्या बताएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई फिंगर्स की, इनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, और थंब बता रहा है चार्ज पार्टिकल के मोशन को। तो फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड, फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल देखिए ध्यान से ऐसा आ रहा है, फोर्स लगी ऊपर की तरफ, ऐसी आई फोर्स ऐसे लग गई, तो ये ऐसे चलता चलता ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि फोर्स किधर लग रही है, देखिए चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है और इधर से फोर्स आ रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ही इसके ऊपर ऐसे टक्कर मारेगी ये ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ये अपना पाथ चेंज करेगा यानी ये चार्ज पार्टिकल सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब फिर से आप पाल्म रूल लगेंगे, यहाँ पे फिंगर्स ऐसे इनसाइड और वेलोसिटी अब की बार ऐसे ऊपर की तरफ हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी, पहले ऐसी थी बिल्कुल, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ, इस तरफ, यानी अब चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इधर से आएगी, तो इसको ऐसे मोड़ना चाहेगी। अब ये इधर जा रहा है, अब सोचिए अब वेलोसिटी इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ, यानी ये ऊपर जाने की बजाय थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। अब फोर्स इधर लगेगी, अब इधर मुड़ जाएगा, फिर परपेंडिकुलर। आप देखिए जरा किस तरीके से ये मूव करने लग जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर रहा है, फोर्स हमेशा किधर लग रही है, ध्यान से देखिएगा, फोर्स किधर लग रही है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, हमेशा फोर्स अंदर की तरफ लेके जा रही है, टुवर्ड सेंटर इसको बांधे रख रही है, ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये चार्ज पार्टिकल आया, ये फोर्स आई टन, जैसे ही ये गया ये परपेंडिकुलर फोर्स, फिर आई ये ऐसे मुड़ गया, जैसे ही ऊपर चलने लगा फोर्स आई परपेंडिकुलर, ये ऐसे मुड़ गया, जैसे ही इधर चलने लगा परपेंडिकुलर फोर्स आई, ये ऐसे मुड़ने लग गया, जैसे ही इधर चला फिर से परपेंडिकुलर फोर्स आई, नीचे मुड़ गया, जैसे ही इधर चलने लगा परपेंडिकुलर फोर्स फिर से आई, ऐसे मुड़ गया, फिर से परपेंडिकुलर फोर्स आई, ऐसे मुड़ गया, फिर से परपेंडिकुलर फोर्स आई, ऐसे मुड़ गया, फिर से परपेंडिकुलर फोर्स आई, ऐसे मुड़ गया। तो एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देखिए फोर्स जब भी आप हर एक कदम पे पाल्म रूल लगाओगे, फोर्स किधर लगेगी, परपेंडिकुलर टू द, फोर्स हमेशा किधर लगती है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था, फोर्स लगी परपेंडिकुलर, हल्का सा ऊपर मुड़ गया, फिर ऐसे आया तो फोर्स इधर से लगेगी, ऊपर मोड़ देगी, फिर फोर्स इधर से लगेगी, ऐसे मोड़ देगी। हर एक कदम पे फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन हर एक कदम पर वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो कि उसको सेंटर की तरफ बांधे रखती है, बाहर जाने ही नहीं दे रही। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स ऐसे आएगी, ऐसे मोड़ देगी। अब ये ऊपर की तरफ ऐसे जाना चाहेगा, लेकिन जैसे ही ये मुड़ा फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको ऐसे मोड़ देगी, जैसे ही इधर चलेगा फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मोड़ देगी। तो याद रखना, जब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, जब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, 90 डिग्री का एंगल जब भी बनाएगा, तो हमेशा याद रखना जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये हम कल प्रूव कर चुके हैं कि जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा याद रखना, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में होता है ना, तीनों चीजें आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसी तरीके से पाल्म रूल में होता है कि फोर्स हमेशा उसको सेंटर की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री यहां पे वो अपनाएगा। कब होता है ऐसा, ये एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री यहां पे फॉलो करता है, याद रखना। कब होगा ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड है आपके कमरे में बहुत ज्यादा, एक बंदा आया
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जैसे ही एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी, उसको ऐसे चक्कर कटवा देगी, सर्कुलर पाथ में वो उसको पूरी तरह से घुमा देगी। तो याद रखना यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैक्सिमम फोर्स लगती है यहाँ पे। ऐसा कब होगा, याद रखना ऐसा हमेशा तभी होगा, सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कब करेगा, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनती है। ये तो हो गई हमारी ट्रेजेक्ट्री की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये ऐसा है, मान लीजिए सर्कुलर पाथ बना है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, इसका रेडियस मैंने आर मान लिया। अब हम कुछ एक फॉर्मूलाज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जो न्यूमेरिकल्स में बड़े काम आएंगे हमारे। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हर बार चार्ज पार्टिकल को सेंटर की तरफ बांधे रख रही है, और सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स बांधती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी पार्टिकल को, प्लस वन में आपने पढ़ा है कि सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि उसको सेंटर की तरफ हमेशा बांधे रख रही है, बाहर नहीं जाने दे रही। तो याद रखना जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं फिलहाल। Fm का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, qev sin थीटा, और सेंट्रिपिटल फोर्स का mv स्क्वायर बाई r, ये आपने प्लस वन में पढ़ा है। sin एंगल v और b का 90 डिग्री का एंगल, तभी तो सर्कुलर पाथ बनता है, तो sin 91 हो जाएगा, v से v कैंसिल, तो r कितना आ जाएगा, दैट इज mv अपॉन qev। हमेशा याद रखना m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, q इज द चार्ज एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, कि जितना हल्का चार्ज पार्टिकल होगा ना, जितना हल्का चार्ज पार्टिकल होगा जिसका मास कम होगा, वो बहुत बड़ा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता हुआ जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी ज्यादा, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी ज्यादा, यानी हल्का चार्ज पार्टिकल ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा और रेडियस भी उसका बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा सर्कुलर वो ट्रेवल करता हुआ जाएगा। और अगर भारी चार्ज पार्टिकल है तो उसकी स्पीड भी कम होगी, वो छोटा सा सर्कुलर पाथ यहाँ पे ट्रेवल करेगा, छोटा सा, और हल्का चार्ज पार्टिकल है तो बहुत ही बड़ा सर्कुलर पाथ वो ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, याद रख लेना। अब मैं रेडियस के दो तीन फॉर्मूले और बना के दिखाऊंगा आपको, जो बहुत काम आते हैं आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं पता किस तरीके का आपको दे दिया जाता है। तो देखिए जरा, देखिए इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, mv का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, mv मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम अपॉन qb, दैट इज स्टार इक्वेशन, बहुत ही ये मेन रिजल्ट है हमारा। अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, देखिए वी नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, तो यहां से वी की वैल्यू कितनी आएगी, पी बाई एम, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल मैथ है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम, वी की वैल्यू रखूंगा तो पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। ऐसा रिजल्ट आपने प्लस वन में भी किया था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, यही आता है। तो P की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2mk, ये P की वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो R कितना आ जाएगा, देयरफॉर एक R का रिजल्ट आएगा आपके पास 2mk अपॉन qb, ये सेकंड रिजल्ट आ गया। अगर आपके पास क्या पता न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, अब इसमें थोड़ी ना काइनेटिक एनर्जी लगाते फिर हो गए, कहां है काइनेटिक एनर्जी, है ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने एक नया फॉर्मूला यहां पे बना दिया है, तो एक रेडियस का ये फॉर्मूला और एक रेडियस का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। एक और बनाते हैं हम रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, दो फॉर्मूले तो हमारे हो गए, अब एक और बनाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि
एक ही आया रिजल्ट, एक ही आया रिजल्ट, दो रिजल्ट आ गए, अब तीसरा रिजल्ट और निकालना है। चलिए तीसरा रिजल्ट और निकालते हैं यहां से हम। मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, देन वर्क डन विल बी, या पढ़ चुके हो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वर्क बाई चार्ज, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v इंटू क्यू। याद रखना जब भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई करते हैं और कोई चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है तो कितना वर्क डन वो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब हम उसको v पोटेंशियल से अप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो चलते वक्त वो कितना वर्क डन करता है, W इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, या पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बड़ा सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कितना आया है v इनटू q इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में इनिशियल जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तब स्टार्टिंग में मान लिया हमने काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अरे वी पोटेंशियल अप्लाई की तभी तो वो चला, तभी तो वर्क डन हुआ, तो इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, अब ये वाला रिजल्ट मैं यहां पे मैं अप्लाई कर दूं तो आर का एक नया फॉर्मूला बनकर आता है यहां से, 2m qv अपॉन qb। तीन फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं, ज्यादा घबराने की बात है नहीं। अब हम यहां से फाइंड आउट करना चाहेंगे हमारा टाइम पीरियड, फालतू चीजों को मैं मिटा देता हूं फटाफट, ये छोटा सा टॉपिक है आपका। देखिए रेडियस के ये तीन रिजल्ट आ गए हमारे पास, अब आपको कौन सा न्यूमेरिकल में यूज करना है, कौन सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन में यूज करना है, वो आप फटाफट देख लोगे। यहाँ पे मास और वेलोसिटी का केस है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का केस है, यहाँ पे पोटेंशियल का केस है। अगर पोटेंशियल पूछी जाए तो ये लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो ये लगाओगे, और अगर मास और वेलोसिटी पूछी जाए तो ये लगा दोगे आप। हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इसके ऊपर, तीनों फॉर्मूले के अलग अलग न्यूमेरिकल में करवा दूंगा जिसमें ये यूज होते हैं। तो रेडियस तो आ गया, अब टाइम पीरियड भी पूछेगा। अब हम सेकेंडरी इसका डेरिवेशन करते हैं, टाइम पीरियड, रेडियस हम निकाल चुके हैं, अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मालूम है, कैपिटल टी से वो रिप्रेजेंट होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस एक चक्कर पूरा करने में जितना समय चार्ज पार्टिकल लेता है, तो कितना लेता है, 2πr लेता है, अरे एक चक्कर पूरा किया फोर्स लगने पे, तो 2πr सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी v। r की वैल्यू रख दीजिए 2π, r की वैल्यू mv अपॉन qb, mv अपॉन qb, और v नीचे चल रहा है, v से v कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πm अपॉन qb। ये देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हल्का चार्ज पार्टिकल हो या भारी चार्ज पार्टिकल हो, समय एक चक्कर पूरा करने में बराबर लगेगा दोनों में। मैंने बोला था इस फॉर्मूले के आधार पे, मैंने बोला था कि अगर जिसका मास कम हुआ वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा और बड़ा चक्कर काट के आएगा, बहुत बड़ा, अरे छोटा है, भारी चार्ज पार्टिकल है तो कम रेडियस का एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हुए आएगा कम स्पीड से, ठीक है, और हल्का चार्ज पार्टिकल है तो वो हाई स्पीड से बड़ा चक्कर पूरा करता हुआ आएगा, लेकिन दोनों एक ही समय पे एक चक्कर अपना पूरा करेंगे। वो ज्यादा स्पीड से अगर चल रहा है तो बड़ा चक्कर भी तो पूरा करके आ रहा है ना वो, और ये छोटा चक्कर पूरा कर रहा है तो इसकी स्पीड कम है, टाइम पीरियड दोनों में सेम लगता है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो टाइम पीरियड देखो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के, याद रखना। अब तीसरा हमने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को तो भली भांति आप जानते हो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो इसका पलट देंगे तो क्यू बी अपॉन टू पाई एम, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। दैट्स ऑल।
क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, बहुत ही इजी काम है ये। ठीक है, ओके। अब एक चीज और बचती है, फोर्थ इसमें आता है, यहीं पे करवा देता हूं। चलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं 2πf। वैसे क्या होता है 2π/T, तो 1/T क्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं रखता हूँ म्यू की वैल्यू, ये qb/2πm, 2π से 2π कैंसिल, दैट इज qb/m। अब आप पूछोगे ये कहाँ से आया सर? बेटा प्लस वन में ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा, अगर बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा किसी ने, ठीक है, तो आपको जरूर पता होगा कि ओमेगा 2πf या 2πν कहां से आया है। ठीक है, क्लियर है? चलो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, इस बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, तो पाथ कैसा आता है अगर 0° का एंगल है या 180° का एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगा, और अगर 90° का एंगल बन गया तो सर्कुलर पाथ में वो घूमेगा, और जैसे ही सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो कितना रेडियस, रेडियस के 3 फॉर्मूले मैंने निकाल के दिखा दिए, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया, इतना समय लिया, ठीक है, और एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा किए, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज टाइम पीरियड, दैट इज रेडियस, दैट इज रेडियस, दैट इज रेडियस, सारी चीजें कवर कर दी हमने। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन था। ठीक है, आगे एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में एज इट इज चीजें आएंगी, तो याद रखना इस टॉपिक का यूज हम कहां पे करेंगे, साइक्लोट्रॉन में। 5 मार्क्स का ये टॉपिक आता है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, आगे बड़ा यूज होने वाला है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सेफ रहिए, खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।